जहां एक और त्योहारों पर मिठाइयां बनाने का काम ज्यादा जोरों पर होता है और इसके साथ ही मिलावट खोरा का नकली माल की मिलावट करने का धंधा भी जोरों पर होता है, वहीं पर स्वास्थ्य विभाग ने भी इसके लिए कमर कस ली है। मिलावट खोरों पर नकेल कसने के लिए स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ द्वारा छापेमारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। हालांकि छापेमारी का काम त्योहारों के शुरू होने से 10 दिन पहले ही शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि अब अगर छापेमारी टीम छापे मारती है तो कब ये सैंपल भरे जाएंगे, कब ये लैब में जाएंगे, कब इनका टेस्ट होगा, कब इनका रिजल्ट आएगा, तब तक तो लोगों के अंदर जहर जा चुका होगा, ये सोचने का विषय है। विभाग स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक डायरेक्शन आया था कि लड़कों की ये जो हमारा का सीजन होता है इसमें काफ़ी मिलावट सही हो जाते हैं, उसी को देखते हुए विभाग ने अपने सारे डिप्टी सिविल सर्जन SMO और जो हमारे MO इंचार्ज हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें उनको बेसिक रीओरियंटेशन ट्रेनिंग दी है, सभी जानते हैं लेकिन फिर भी रीओरियंट करने के लिए हमने FSO को बुलाया था कि सैम्पलिंग करनी क्या है और क्या क्या उसमें इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं, तो उसके बारे में आज ट्रेनिंग के बाद सबको ये अधिकार दे दिया गया है कि अपने एरिया में जाके जितनी भी दुकानें हैं खोया और स्वीट्स की उसकी सैंपलिंग तो रेगुलर प्रोसेस रहेगा। त्योहारों के पे थोड़ा हम ज्यादा इंटेंसिफाई कर देते क्योंकि इसमें मिलावट के चांसेस ज्यादा होते हैं, टाइम पीरियड है आज सैंपल लिया है कल को डिपॉजिट होगा, 15 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आने के बाद उसके ऊपर जो अगर है उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाती है। ये एक मैसेज है और जो बनाने वाले हैं कि कोई मिलावट नहीं करेगा, अगर मिलावट करेगा तो कहीं ना कहीं विभाग की नजर उनके ऊपर है और सख्त कार्रवाई की।